मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एमएस ऑफिस कोर्स का एक सीरीज है चल रहा है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके कोर्सेज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट का रिव्यू मेन्यू खत्म कर लिया था, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और करेंगे एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट का लास्ट मेन्यू, जो कि है व्यू मेन्यू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा एमएस ऑफिस पे एक एक सॉफ्टवेयर का, यानी विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी चीजों का हमने सीरीज में वीडियोस बनाया हुआ है। फुल फ्लैश एकदम डिटेल्ड नॉलेज के साथ वीडियोस बनाई हुई है। आप जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद आके आप अगर पावर पॉइंट की ये वीडियोस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वो वीडियोस भी आप चेक करेंगे तो काफी अच्छी वीडियोस हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पसंद करेंगे आप उन वीडियोस को। तो एक बार उन वीडियोस को देखिए, आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद देन आकर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और आपको चीजों का आभास भी होगा कि मैंने किस ऑर्डर में कराया है, क्या कराया है और कैसे कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडो की के साथ आर का बटन दबाते हैं दोस्तों, लिखते हैं सबसे पहले पावर पीएनटी। आपको पता है कि ये जो मैंने आपका रन का डायलॉग बॉक्स खोला हुआ है, ये रन का डायलॉग बॉक्स किस तरीके से खुलता है मैंने अपने लगभग सभी वीडियोस में बताया। विंडो की के साथ आर का बटन दबाएंगे, यहाँ पर हम रन का डायलॉग बॉक्स खोल लेते हैं। मैं फिर से विंडो की के साथ आर के बटन दबाने से कीबोर्ड से रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करना होता है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली खोलना है, या उसका कीवर्ड टाइप करना पड़ता है। फिलहाल इस केस में यहाँ पे पावर पॉइंट खोलना है, इसलिए हमने पावर पीएनटी टाइप किया है। ओके करेंगे अपने कीबोर्ड से या फिर इस बटन पे क्लिक कर देंगे ओके के। आपको पता है कीबोर्ड पे ओके करने के लिए आपको एंटर का बटन दबाना पड़ता है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों, ये मेन्यू था, आपको पता होगा हम इस ऑर्डर में कर रहे थे। पहले हमने होम मेन्यू किया था, फिर इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू लास्ट वीडियो में किया था, और आज हम करेंगे व्यू मेन्यू। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो इस ऑर्डर में किया है वो लगभग सारी ही जो भी हमने विनवर्ड या एक्सेल किया वो एक सीरीज में इसी ऑर्डर में किया हमने। या तो हमने इस तरीके से चले हैं, एक्सेल में मैं उल्टा आया था व्यू मेन्यू से रिव्यू और इस तरीके से होम तक गया था, और विनवर्ड में मैं इसी ऑर्डर में, इस ऑर्डर में पावर पॉइंट में करा रहा हूँ, होम, इंसर्ट और इस तरीके से व्यू में आया हूँ। तो सेम ऑर्डर है, पावर पॉइंट और विनवर्ड का सेम ऑर्डर है, और एक्सेल का थोड़ा सा अलग था। एक्सेल में मैं उल्टा गया था व्यू मेन्यू से होते हुए, क्योंकि इधर के मेन्यू थोड़े से जो थे वो टिपिकल थे, लंबे थे और कह सकते कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टा आ रहा था एक्सेल में। तो मैंने जो भी कराया आप लोगों के बेहतरी के लिए कराया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चैनल की वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो औरों को भी रिकमेंड कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस लॉकडाउन में, इस महामारी में। आप भी घर बैठ के इन चीजों का आनंद उठा सकते हैं, साथ में कुछ सीख भी सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं थोड़ा सा और आगे, और व्यू मेन्यू खत्म करके लास्ट फाइनली पावर पॉइंट का हम आज जो सिलेबस है वो खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यू मेन्यू का मतलब ही क्या होता है। व्यू का मतलब दिखाई पड़ना। सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल स्लाइड आपको पता है कि शीट के लिए होते हैं, नॉर्मली आपकी जो दिखाई पड़ रही है उस चीज के लिए होती है। और अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन खोल लेता हूं, जैसे प्रेजेंटेशन 9 हमारे पास रिसेंटली ओपनड थी, तो मैंने आपके लिए खोल लिया। तो नॉर्मल में आप देख पा रहे हैं पेज हमने एक्सेल या विनवर्ड में खोला था। एक्सेल और विनवर्ड का भी व्यू मेन्यू दोस्तों देखिएगा तो वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, कुछ एक ऑप्शन इसमें बदले होंगे, लेकिन जूम वगैरह का ऑप्शन और ये जो मैक्रोस वगैरह का ऑप्शन है, न्यू विंडो वगैरह का ऑप्शन है, ये ऑप्शन लगभग सेम है। तो मैं इन ऑप्शन को यहाँ पर दोबारा बताना नहीं चाहूंगा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप वहां से कर लें। हालांकि जितना हो पाएगा मैं कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन अलग है वो तो मैं जरूर बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन जो अलग नहीं है, जो बिल्कुल सेम है, तो उस पर मैं दोबारा उतना टाइम वेस्ट करना, उतना डिटेल में बताना पसंद नहीं करूंगा। एक रैप अप, एक शॉर्ट में आपको समझा दूंगा और आप बाकी वीडियोस के लिए वहां से आप देख लीजिएगा। विनवर्ड का और एक्सेल का व्यू मेन्यू नोट डाउन करेंगे, लगभग ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो वहां से आप देखकर सीख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज जो नॉर्मल है, आपको पता है व्यू मेन्यू में दिखाई पड़ता है, तो नॉर्मल आपका किस शीट के लिए होता है? नॉर्मल आपको पेज को देखने के लिए, यहाँ पर पेज को स्लाइड बोलते हैं, बात को नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, और पेज से रिलेटेड ऑप्शन राइट क्लिक करके यहाँ पे आते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हाइड करने का या लेआउट का चेंज करने का ऑप्शन, ये देख पा रहे हैं आप बहुत सारे, रीसेट करने का, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता रखे हैं पिछली वीडियोस में, जाके पिछली वीडियोस पावर पॉइंट की चेक कीजिए जिसमें मैंने आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह बताई हुई हैं। तो आपको वहां से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि राइट क्लिक करके इन ऑप्शन से यूज किया दोस्तों। बाकी इसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिएगा। नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल पेज आता है, नॉर्मल व्यू होता है पेज का, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर क्या करता है कि पेज को स्लाइडली मतलब शॉर्टर कर देता है, शॉर्टिंग कर देता है स्लाइड की, इनको उनको अरेंज कर देता है वेदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप स्लाइड सॉर्टर में इस तरीके से देख सकते हो, स्लाइड नंबर 1, 2, 3, और इनके साथ इनकी टाइमिंग भी दे रखी है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर रन करने में हमने क्या टाइमिंग सेट की हुई, यानी कितनी देर में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जंप कर देगा। 0.00 सेकंड्स का गैप है, यानी बेसिकली बिल्कुल टाइम मिलेगा, तुरंत इमीडिएटली एक से दूसरे पर शिफ्ट कर जाएगा। और यही रीजन है कि अगर मैं आपको यहाँ पे
स्लाइड्स को मैंने F5 से रन करके दिखाऊं तो आपका कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन रन हो रहा है। इनमें गैप नहीं, इसलिए लगातार चल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसमें गैप डाल देते हैं, आपको पता है गैप कहाँ से डालना है, एनिमेशन मेन्यू में आके यहाँ से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और इसको अप्लाई टू ऑल कर दीजिए तो देखिए सब पे एक एक सेकंड का गैप हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और अब F5 अगर हम दबाएंगे तो ये तुरंत नहीं चलेगा, देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए धीरे धीरे चल रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बेसिकली गैप हो या ना हो ये डिपेंड करता है आपका यहाँ से सेट करने के ऊपर। तो हम यहाँ से वापस अप्लाई टू ऑल करके सबका टाइमिंग जीरो कर दे रहे हैं और आते हैं वापस व्यू मेन्यू में, क्योंकि हमें यही खत्म करना है। तो नॉर्मल पे से नॉर्मल पे जाते हैं दोस्तों, स्लाइड ऑर्डर से एक्सटेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हम स्लाइड को 1, 2, 3 करके अरेंज कर सकते हैं विद उनके टाइमिंग देखने के साथ ही। और टाइमिंग में आप टाइमिंग बढ़ा या घटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से रन करती है। इसके बाद आपको मैंने स्लाइड शो के बताया, आपको F5 से स्लाइड रन होती है, स्लाइड शो चलता है आपका। ठीक है, इस तरीके से रन करने के लिए प्रेजेंटेशन को F5 का बटन दबा सकते हैं आप अपने कीबोर्ड से, या फिर इस ऑप्शन पे पर्टिकुलरली स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं तो उससे भी इस तरीके से स्लाइड चल जाएगी, यानी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एस्केप की से बाहर आते हैं, कई बार बताया मैंने पिछले वीडियो में, ये भी नोट डाउन करके रखेंगे। ESC आपके लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर में होती है कीबोर्ड के, ESC लिखा होता है एस्केप की, उसको दबाने से आप किसी भी प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं। जैसे आपने प्रेजेंटेशन रन किया और इसके बाद आपने ESC एस्केप बटन दबाया आपने कॉर्नर का और आप बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं यहां तक भी समझ में आ गया होगा। नोट्स पेजेस क्या होता है कि आप जो स्लाइड आपने बनाया उसके बारे में अगर आपको कुछ नोट्स लिखने हैं, कुछ लिखना है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो। उसका साइज आप यहाँ से बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे साइज अराउंड 36 का कर लिया, तो जो हम टाइप करेंगे वो काफी बड़ा बड़ा टाइप होगा। जैसे हमने लिखा दिस स्लाइड इज रिलेटेड टू गोल्फ प्लेइंग गर्ल। ठीक है, यानी इसमें हम कोई भी अपने स्लाइड जो मैं प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है यहाँ पे उससे रिलेटेड, हम यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप देखिए यहाँ हमने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया उससे रिलेटेड हम यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उस चीज के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जूम हम यहाँ से करते हैं दोस्तों, ये जूम बार होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, आपको हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही। कोई भी सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले मैंने ये चीजें बेसिकली बता रखी है। अगर आपको ये बेसिक चीज ज्यादा डिटेल में सीखनी है तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली वीडियो से जब आपका MS Office कोर्स स्टार्ट हुआ था तो वहां पर मैंने आपको विंडोज, MS Paint, नोटपैड, वर्डपैड बताया था। उन वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है, उनको मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो वहां से देखने से आप इन चीजों को, बहुत बेसिक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि ये बेसिकली छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनमें मैंने बेसिक चीजों पर ज्यादा जोर दिया हुआ है। और बाकी आपका विनवर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट मेन सॉफ्टवेयर होते हैं MS Office के, इन्हीं में ऑफिस पे काम होता है, तो इसलिए मैं इनको ज्यादा छोटे से ऑप्शन पे गौर नहीं कर रहा, जिनको मेन ऑप्शन है जो मेन्यू के ऑप्शन, इन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली होता क्या है, ये आपका जो नोट्स मास्टर होता है, जो व्यू मेन्यू में नोट्स मास्टर आपको दिया हुआ है, हम इस ऑप्शन को कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सिलेक्टेड ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका जो भी स्लाइड होती है, जो भी प्रेजेंटेशन होती है, उससे रिलेटेड ये नोट्स आपको आप यहाँ पे लिख सकते हो या बता सकते हो, किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उसके लिए इसका यूज होता है। स्लाइड्स होते हैं आपको पता है, ये वीडियो मतलब प्रेजेंटेशन रन होती है, ठीक है, एस्केप की से बाहर आती है, मैंने बता ही रखा है। इसके बाद मैंने आपको बताया स्लाइड मास्टर क्या होता है, स्लाइड मास्टर इस तरीके से चलता है और आपकी जो भी स्लाइड होती है उससे रिलेटेड आप एक नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका एक नया अगर इंसर्ट स्लाइड मास्टर के लिए ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से, तो स्लाइड मास्टर आप मास्टर टाइटल डाल सकते हो, फिर उसके लेवल सेट कर सकते हो, यानी 1 लेवल, 2nd लेवल, यानी पॉइंट, जैसे आप नोट मेकिंग लिखते हो दोस्तों, अगर आपने 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस में इंग्लिश ले रखी होगी, जरूर पढ़ी होगी आशा करता हूँ, तो उसमें आपने नोट मेकिंग का एक टॉपिक जरूर किया होगा। नोट मेकिंग में आप देखते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का हमें नोट मेकिंग करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक के कम से कम 3 पॉइंट जरूर लिखते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट लिखा है तो इसके हमें और 3 पॉइंट जरूर लिखना पड़ेगा, तो उन पॉइंट्स को हम पॉइंट के अंदर भी पॉइंट लिखते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है उसका 1.3, मैं आपको उसके लिए वीडियो में आपके देखिए आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से जो नोट मेकिंग करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक फोटो आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कोई टॉपिक एक लिखा, उस टॉपिक का पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1 है, तो 1 का 1.2, 1.3 करके हम उसके पॉइंट्स भी बनाते हैं, यानी पॉइंट नंबर 1 के भी कई सारे पॉइंट बनते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट बनाने मस्ट होते हैं, बाकी आप आगे और भी बना सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि इंसर्ट स्लाइड मास्टर, इंसर्ट स्लाइड लेआउट, जिस तरह का लेआउट लेना है आपको या जिस तरह का स्लाइड मास्टर लेना है, ये सारी चीज ले सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं, कस्टम लेआउट या जो भी नाम देना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें पेज का सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पेज सेटअप आपको मैंने बताया रखा था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में स्लाइड्स और मेन्यू बताया था। ठीक है, आपको अगर ध्यान ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से, इन चीजों को आप हटा लीजिएगा स्लाइड मास्टर और स्लाइड्स होकर के।
या फिर कहीं बाहर क्लिक करके ऐसे नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया हमने, तो मैंने आपको ये स्लाइड को मेन्यू बताया था, तो यहाँ पे भी पेज सेटअप का ऑप्शन था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एनिमेशन डिजाइन इस तरीके से बताया था, तो भी पेज सेटअप का ऑप्शन था। बाकी यहाँ पे जब ऑफिस बटन करेंगे तो यहाँ से भी प्रिंट में आके पेज सेटअप वगैरह का ऑप्शन आता है। जब हम प्रिंट में आते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे तो पेज सेटअप वगैरह के लिए ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ से समझ में आ रहा होगा, प्रिपेयर में भी होता है, प्रिंट में भी होता है, आप प्रिंट प्रीव्यू वगैरह में भी देख सकते हैं। पेज सेटअप के लिए ऑप्शन देता है यहाँ पे, देखिए प्रिंट में आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि बेसिकली आप ये जो व्यू मेन्यू कर रहे हैं, इस व्यू मेन्यू में स्लाइड मास्टर का यू भी होता है कि एक मास्टर स्लाइड होती है जिससे लिंक होकर बाकी की स्लाइड्स होती हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्लाइड मास्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन स्लाइड्स पर दी होती है। जैसे ये मेन स्लाइड है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन पर दी होगी, ठीक है। इस तरीके से चीजें मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों स्लाइड मास्टर के बाद हैंडआउट मास्टर होता है। इसमें आपने जितनी भी स्लाइड दी है उनके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे 6 स्लाइड्स के लिए दे रखा है, यहाँ पे हेडर फुटर भी डाल सकते हैं, इन दोनों जगहों पे हेडर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपकी डेट आ गई, यहाँ पे आपका टाइटल आप खुद डाल सकते हो क्लिक करके, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। साइज आप बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा गोल्फ प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग गुड, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा। साइज वाइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो होम मेन्यू में, कोई इशू नहीं है, आई होप इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अब, ठीक है। तो ये सब चीजें कर सकते हो, यहाँ पे हेडर डाल सकते हो इन दोनों जगह पे, नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे फुटर डाल सकते हो इसी तरीके से, इस जगह पे फुटर डालेगा, देखिए डाला भी है। पेज नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहो तो, जैसे पेज नंबर 1 डालना चाहे तो 1 डाल सकते हैं इस तरीके से। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए पेज नंबर 1 डाला है हमने, पेज नंबर 12 या जो भी हम टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। फुटर में ये सब चीजें डालते हैं हमने, विनवर्ड के आप व्यू मेन्यू चेक कीजिएगा, विनवर्ड और एक्सेल के, उसमें मैंने व्यू मेन्यू में पेज सेटअप वगैरह, प्रिंट लेआउट वगैरह, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ दोस्तों, पेज नंबर हेडर फुटर ये सब समझाया हुआ बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं ये चाहता हूँ आप प्लीज इन चीजों को वहां से देख लीजिए, नहीं तो वीडियो काफी लंबी होने वाली है, ठीक है। और मैं इन चीजों को दोबारा नहीं बताना चाहूंगा, टाइम वेस्टेज हमारे लिए, क्योंकि हमें और भी चीजें आगे करनी है। अभी मैं इसके बाद आपको जस्ट पावर पॉइंट के बाद आपको एमएस डॉस का भी कोर्स कराने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर पूरा कराऊंगा एमएस डॉस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर के पर्पज से भी और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग कंप्यूटर में हार्ड कोर इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, थोड़ा अपर लेवल होगा। कई लोग तो मैंने आपको बताया भी था जैसे अपने एमएस ऑफिस की वीडियो के इंट्रो में, कि कई सारे लोग तो डॉस को हार्डवेयर में शामिल करते हैं, एमएस ऑफिस के कोर्स में शामिल ही नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज हो हार्डवेयर की, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स या टिप्स बताऊंगा एमएस डॉस की, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं नोट्स मास्टर की, यहाँ पे आप नोट्स मास्टर भी देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको समझ में आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं रूलर की, रूलर पे इस तरीके से आप देख रहे हैं रूलर आ जाएगा, शो एंड हाइड का ग्रुप है ये, शो हाइड में आपको पता है ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन आ जाती है, ठीक है। मैं आपको इसको एक नॉर्मल स्लाइड लेके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रीड करते हैं, ये देखिए आप अगर व्यू मेन्यू में आते हैं, आपने रूलर लिया तो रूलर से ये देखिए इस तरीके से आपका फुट्टे की तरह रूलर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ग्रिड लाइन से आपकी ग्रिड लाइन आ जाएगी, आप देख पा रहे हैं इस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप ग्रिड लाइन के हिसाब से, ठीक है। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से कुछ ग्राफ वगैरह बनाने के लिए या फिर चित्र वगैरह बनाने के लिए या फिर स्पेस वगैरह की चीज बनाने के लिए जब ड्रॉइंग सीखते हैं तो वहां पे ग्रिड लाइन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ग्रिड लाइन बेसिकली किस लिए यूज होती है आपको पता ही है, ग्रिड लाइन ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप, यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे तो ग्रिड लाइन शो करेंगे, चेकबॉक्स पर टिक हटाएंगे तो ग्रिड लाइन हाइड हो जाएगी। रूलर पे अगर आप टिक लगाते हैं दोस्तों तो रूलर शो होगा नहीं तो रूलर हाइड हो जाएगा, ठीक है। रूलर पे से मैं टिक हटाता हूँ, देखिए हाइड हो गया ये फुट्टा जो था, इससे हम स्केलिंग करते हैं बेसिकली, आपके पेज को नापने के लिए इसका यूज होता है। और बाकी मैसेंजर बार आपका जो इसके नीचे ग्रिड लाइन के नीचे जो ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होता तो उसको आपने करना ही नहीं, छोड़ के चलना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन व्यू का ये जो ग्रुप था पूरा, यानी पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन को हम शो करने के यानी पेज को देखने के जो तरीके होते हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं मानता हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ा स्लाइड मास्टर में कंफ्यूजन हो, बट अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, अपना बेस्ट दिया, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और इसके बाद ये आपका सो एंड हाइड का ग्रुप में तो ज्यादा कुछ था नहीं, समझ में आ गया होगा। जूम का भी आपको पता ही है, जूम आप कितना परसेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड को जूम करके भी दिखाता हूँ। मान लीजिए इसको हटाते हैं हम, ये हमारी स्लाइड है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम में गया मैंने इसको 200% जूम कर दिया तो स्लाइड देखिए काफी बड़ी दिखाई पड़ेगी, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। वही काम आप यहाँ से जूम बार से भी कर सकते हैं, माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो छोटा होगा दोस्तों, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 100% होता है, प्लस के साइन से बड़ा होता है, हर बार 10-10% बड़ा या छोटा होता है, माइनस से छोटा होता है प्लस से बड़ा होता है। ये सब मैंने व्यू मेन्यू में बताया हुआ है विनवर्ड के और एक्सेल के, तो प्लीज वहां से चेक करना। फिट टू विंडो करने से एडजस्ट हो जाता है विंडो के साइज को हो जाता है, तो ये भी जूम बार भी खत्म। जूम में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ से एरो के साइन से भी बढ़ा सकते हो या कस्टम जूम सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके ऐसे डायरेक्टली क्लिक करके ओके करके भी उस साइड में ला सकते हो,
नहीं तो आपको कस्टम जूम करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली बढ़ा या घटा सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, जैसे मुझे 75% करना है तो मैंने 75% किया, नीचे एरो की से नीचे आती है वैल्यूज और ऊपर की से ऊपर आती है, तो नीचे किया मैंने और ओके कर दिया इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, बाकी फिट टू विंडो कर दोगे तो विंडो का साइज में एडजस्ट हो जाएगी। ये आपने कलरफुल पे टिक लगाया हुआ है इसलिए कलर है, कलर और ग्रे स्केल वगैरह को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगला टॉपिक है हमारा, अगले ग्रुप है हमारा। तो ग्रे स्केल या कलर से आपको कलरफुल होता है जो स्लाइड होती है, और ग्रे स्केल से कर दोगे तो ये आपकी थोड़ी सी ग्रे स्केल में आ जाएगी। ठीक है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं कह सकते, थोड़ा ग्रे स्केल यानी कलर हट जाएगा, ग्रे हो जाएगी। ठीक है, ग्रे कलर में बैक टू कलर व्यू में आना है तो उस पर क्लिक कीजिए, और बाकी स्लाइड में व्यू में जो ऑप्शन है प्योर एंड ब्लैक एंड व्हाइट से तो इस तरीके से आप प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अंतर आप दोनों में समझने की कोशिश कीजिए, और कलर में ऐसा आ रहा है, और अगर मैं ग्रे स्केल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग है, ग्रे स्केल में कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो ग्रे स्केल अलग होता है और ब्लैक एंड व्हाइट अलग होता है, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा, हालांकि मैं कलर में रखने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये ग्रे स्केल और कलर का ऑप्शन खत्म होने के बाद, ग्रुप खत्म होने के बाद कलर और ग्रे स्केल का लास्ट जो आपका बना है वो विंडो का ग्रुप बचा हुआ है। विंडो का ग्रुप दोस्तों आपको पता था, मैंने विनवर्ड में और एक्सेल में दोनों में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, खास करके एक्सेल में विंडो का ग्रुप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे करना क्या, एक डुप्लीकेट विंडो ले लें, जो काम आप एक विंडो पे करते हो वही काम दूसरे विंडो पे होगा, मैंने आपको बताया हुआ पिछली वीडियो में। विनवर्ड और एक्सेल में बार बार बोला, चेक कीजिए व्यू मेन्यू, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो वहां से देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूँ न्यू विंडो में लेता हूँ, तो एक डुप्लीकेट विंडो आ जाएगी, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा समझ नहीं रहा तो जब मैं अरेंज करूंगा इनको तो ये देखिए साइड बाय साइड दो विंडोज एक साथ चल रही है। ठीक है, इस तरीके से दो विंडो हो जाएंगी, इनको आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज ऑल करने से आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कैस्केड में भी ले सकते हैं, कैस्केड में एक के पीछे एक होंगी इस तरीके से साथ की तरह, या फिर अरेंज ऑल करके इसको साइड बाय साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, मूव और स्पीड भी कर सकते हैं आप विंडोज को लेकर, आप स्पीड या मूव भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्या यूज होता है मूव और स्पीड का, तो ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक विंडो आपके लिए डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मूव और स्प्लिट भी कर सकते हैं दोस्तों, मूव और स्प्लिट करने का आपको यूज पता ही है, आप विंडोज को मूव कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस ठीक हो जाएगी। स्विच विंडो से आप डुप्लीकेट विंडो जितने आपने लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी विंडोज ले लिए, आप एक से दूसरे विंडो पे मान लीजिए 9th प्रेजेंटेशन की 4th विंडो है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अरेंज ऑल करके, बहुत सारी विंडोज है इस तरीके से, आपको समझ में आ रहा है, और मैंने न्यू विंडो ली हुई है। अब न्यू विंडो लेने के बाद मैंने क्या कर लिया, इन विंडोज को मैंने जंप करना है एक के बाद दूसरे पे, या मैंने इनको अरेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, कैस्केड कर दिया मैंने इनको इस तरीके से, देख रहे हैं बहुत सारी है। तो मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर विंडो पे जंप करना है, तो स्विच विंडो में क्या, मैंने कहा मुझे 9वें की 5वीं विंडो पे, और 9वें की, ये देखो 9वें की 5वीं विंडो पे हूं मैं इस जगह पे, और अब मेरे को करना क्या बेसिकली, ये मैं 5वीं विंडो पे हूं मान लो 9वें विंडो की। ठीक है, यहाँ पे 9 की 5th रखी है, और मुझे अब डायरेक्टली जंप करना है किस पे, स्विच विंडो करके पहली विंडो पे, 9वें की पहली विंडो पे, तो देखिए 9 से 1st विंडो पे आ गए, होगी वही चीज दोस्तों, उसमें होगी वही चीज, लेकिन नाम से आप सब पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा प्रेजेंटेशन 9:1। ठीक है, और वहां पे मैं 5वें पे क्लिक करता हूँ तो आ जाएगा प्रेजेंटेशन 9:5। पर्पस क्या होता है विंडो का, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, आप एक साथ एक विंडो पे जो काम करोगे वही बाकी विंडोज पे होगा। बेनिफिट ये है कि अगर आपके बॉस आपको एक साथ कई लोगों को काम देते हैं जिनको सेम काम करना है, मे बी आपसे कभी मनमुटा हो गया और आपको काम का बर्डन दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक स्लाइड पे काम कीजिए, बाकी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली काम होगा और एक साथ आप सबका काम निपटा पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्विच विंडो करने के बाद ये सब विंडोज आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैक्रोस दोस्तों यहाँ पे काम नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैक्रोस का यूज आपको पता ही होगा, विनवर्ड और एक्सेल दोनों में मैंने व्यू मेन्यू में बताया था कि मैक्रोस का यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए होता है दोस्तों, कोई कमांड कुछ रन करने के लिए, कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, वेदर आप इससे शॉर्टकट की भी बना सकते हो, कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हो, जैसे आपको एक टेबल बनानी है तो पूरा प्रोसेस आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैक्रोस में आपके रिकॉर्ड हो जाएगा, मैंने करके भी दिखाया, आप विनवर्ड और एक्सेल में प्लीज चेक कीजिएगा, व्यू मेन्यू में मैक्रोस के ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो होगा। और बाकी यहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो मैक्रोस का नाम लिखिए और पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड कीजिए, यहाँ पे वैसे रन होता नहीं है, मैं आपको जैसे करके दिखाता हूँ, अगर मैंने इसका नाम लिखा भी कि मैक्रो वन इसका नाम है मान लो, ठीक है, मैक्रो वन होने के बाद भी रन का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ होती नहीं, अगर मैं क्रिएट करता भी हूँ, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये विजुअल बेसिक की कोडिंग के लिए आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे विजुअल बेसिक है, तो फिलहाल हमें इस लेवल का करना नहीं कि हम विजुअल बेसिक में कोडिंग रिकॉर्ड करें और पूरा प्रोग्रामिंग समझे, हमें बेसिक एमएस ऑफिस करना था और वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।